कई परिचय का अनुभव कराने से और काले मर्म में दुकान की जोड़ विनीता राणा जी का माजरा भूटान नौ दवास से भागी जी पंखों दो जान लगा सिर्फ विनीता राणा जी की जोड़ माजरा भूटान नौ दवास से लगा हेलो दोस्तों, जय माँ काली। सिद्धपीठ काली मठ माँ काली को ध्यान कर दो। सभी भाई बंदो, सभी दीदी भूलों और सभी दोखण वलता, मैं विनीता राणा प्रणाम कर दू। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं पेलिंग गांव में और उससे पहले हम जा रहे हैं डॉक्टर जैक्सविन स्कूल में, क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ ज़रूरी सामान लेके जाना है। तो चलते हैं स्कूल में और पहले सामान को यहाँ पे ढूंढ लेते हैं कि क्या हमको वहाँ पे ले जाना है। तो अभी यहाँ पे सामान को ढूंढ रहे हैं और अभी फाइनली हमको सामान मिल गया है और अभी इसको लेके चलते हैं। फिर बोलोगे मुझे मत दिखाना, जब हमारी दीदी यहाँ पे तैयार हो गई है। तो 1 2 3 4 और इस ये आ गई हमारी सृष्टि, फाइनली पहुंच गए। ये देखो पहली बार मिल रहे हैं हम। हेलो नमस्ते, पहली बार क्यों मिलना, पर जा रहे क्या पहली बार? पहली बार मिल तो रहे, मिल तो बहुत बार हो गए। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं उथिंड हाई स्कूल के पास और यहाँ ना बहुत ही खूबसूरत नजारा है भाई। यहाँ देखिए, ये देखो हमारे सारे ब्लॉगर भी यहाँ वीडियो बना रहे हैं साथ में। ये पकड़ना सृष्टि, ये हमारी सृष्टि। हमें सृष्टि को मैं बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं इसको आधी रात में 12 बजे भी बोलूंगी ना, तो सृष्टि चल, तो सृष्टि ओके दीदी बोलेगी। भले सृष्टि के पास कुछ ही नहीं होगा, पर बोलेगी दीदी व्यवस्था कर देना, पर मैं आ जाऊंगी, ये शरीर के हिसाब से देखी जाएगी, हो भी जाती है व्यवस्था भाई। यहाँ देखो खूबसूरत नजारा भाई, बहुत प्यारा। जब बर्फ गिरती होगी ना, तो सामने का नजारा बहुत खूबसूरत लगता होगा। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, जब व्लॉगर होते हैं ना एक साथ सभी ऐसे, तो दोनों ने कैमरे लगा रखे हैं, दोनों के कैमरे लगा रखे हैं। तो ये हैं विनीता राणा काले मठ और मुझे भी आप जानते ही होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी हैं श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, और उनकी ओर से हम यहाँ पर आए हैं पूरे क्षेत्र में लोगों को ये जागृत करने के लिए स्वीप टीम की ओर से कि आप मतदान जरूर करें। ये आलस न करें कि हम मतदान करने के लिए बूथ पर नहीं जाएंगे, कि हमारा आज काम पड़ गया या कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि जो देहरादून या बाहर भी काम कर रहे हैं उनको भी आना चाहिए, यदि वोटर लिस्ट में अपना नाम है। देखिए ये मौका मिलता नहीं है राष्ट्र को के निर्माण के लिए, यदि आप दोस्तों अभी हम घूमने आ गए और अभी हमने ना बहुत सारी रील वगैरह भी बना दी हैं, और अब चलते हैं शादी वाले घर में और वहाँ पे देखते हैं कैसा माहौल है, कैसे लोग वहाँ पे मिलेंगे हमको। और अभी तो फिलहाल हमको यहाँ पे तो बहुत अच्छा ही लग रहा है, और सुंदर जगह भी है, बहुत सुंदर जगह है, घूमने लायक जगह तो है। और मुझे लग रहा है बर्फ के टाइम पे बहुत बढ़िया यहाँ पे सीन, मतलब सीनरी व्यू बहुत प्यारा रहता होगा। और कैसा लग रहा है आप सबको? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ से चलते हैं शादी वाले घर में भी, और वहाँ पे भी हमारी YouTube फैमिली भी जरूर हमको मिलेगी, क्योंकि हम जब गेट पे आए थे तो दोनों बहनों की YouTube फैमिली मिल गई थी। बाकी सृष्टि गुली का भी YouTube चैनल है, उसको भी जरूर आप सभी लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो दीदी लोग भी हैं आज हमारे साथ में, दीदी को कैसा लग रहा है? मेरा तो ननिहाली है इधर। अच्छा, तो नानी का गांव यानी माँ की जन्मभूमि में आ रखी है, तो अच्छा ही लग रहा होगा, है ना। तो बने रहे आप सभी लोग हमारे साथ में, चलते हैं शादी वाले घर में। अभी हमारी ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है ना। तो दोस्तों, जिस हिसाब से रील पे रील शूट हो ही जा रही है, मुझे तो नहीं लग रहा है शादी वाले घर में पहुँच पाएंगे हम। पहुँच जाएंगे, थोड़ा चाय पीने का मन भी कर रहा है ना, तो थोड़ा थोड़ा चाय पीने चलते, चाय पीने का बाजा लगाते हैं आप। तो चलते हैं दोस्तों अब जल्दी से, और भूख भी ना काफी ज्यादा लग गई है। तो दोस्तों हम आ गए हैं वो थिन गांव में अभी, और यहाँ पे देखे सब्जी
राई और ऐसा लग रहा है, है ना। बैगन देखो कितने सुंदर लग रहे, तोड़ के ले जाएंगे उनको आज यहाँ से। मैं ले जाऊंगी तो मेरे रूम पे के लिए एक सब्जी तैयार। बैगन का भरता मेरे को वैसे। तेरे चप्पल कहाँ गए? ये दोस्तों मुझे पता नहीं था पहाड़ों में ऐसा। अच्छा तू विदेश से आ रही, दिस वाली आ रही, तो देंगे तभी तो। मुझे लगा पैदल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए भाई, एक छोटा सा पौधा पेड़ है नारंगी का, और इसमें पत्तियां कम है और दाने ज्यादा लग रखे हैं, और साथ में लग रखे हैं हरे और पीले कद्दू। यहाँ पे हरे वाला कद्दू, पीले वाला, और पेड़ पे भी लग रखे हैं। तो दोस्तों शाम की 5:30 बज चुकी है और हम पहुंच चुके हैं पेलिंग मार्केट पे, इस तरह से कहीं। और ये सब तैयार हैं यहाँ पे, अब रोड को छोड़ के पैदल जाना पड़ेगा, पैदल जाएंगे, और पता नहीं कितना जाना है पैदल। अंधेरा भी बिल्कुल हो ही गया है, तो चलते हैं ऐसे रास्ते से ऊपर। एक मैडम हमारे साथ अमेरिका से आई हैं, जो ये देखो भाई सैंडल हाथ में रखे हुए, उल्टा सैंडल लो। अरे क्या कर रहे हो? दोस्तों शादी वाला घर इस तरह से यहाँ पे दिखाई देने लग गया है हमको। पूछते पूछते बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे। धन्यवाद मिलता हूँ। अब आरती के सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, आओ आओ देखिए मिल रहा है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं शादी वाले घर पे अभी, और यहाँ पे चाय पानी भी पी लिया है। तो आगे अब मेहंदी का फंक्शन होगा, तो देखते हैं मेहंदी तो आगे बने रहे हमारे साथ। और यहाँ पे उनको ना एक खूबसूरत है मिट्टू भी मिला है, ये देखो 15-16 साल से यहाँ पे है, अभी उससे बात करते हैं। मिट्टू मिट्टू देखो आंखें बंद कर रहा है, नहीं कर रहा है ये बात। तो दोस्तों अभी हम उनके घर पे जा रहे हैं। हमारे गुरुजी अभी हैं हमारे ग्राम सभा जैली विद्यालय में। तो गुरुजी बहुत ज़्यादा एक्टिव है हर क्षेत्र में, बच्चों को ऐसा बना रखा है कि क्या ही बोले, पढ़ाई हो चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हो, हमेशा प्रतिभा करवाते हैं। बहुत ही अच्छे गुरुजी का व्यवहार है। और यहाँ पे मैडम जी भी आई हुई अतिथियों का सामान, तो सृष्टि के गले में भी पड़ गई भाई फूलों की माला। काली में डब्बा मे पुजारी भटलू बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं आपको, और बेटी की जॉब की भी, बेटी की शादी की भी डबल। ये आती थी पिछली बार हमारे विद्यालय में आ रही थी। हमारा सौभाग्य है कि आप जो है हमारे घर पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन। स्वागत करते हुए आप सभी लोगों का लड़के की जॉब भी लग रखी, बेटी की जॉब भी लगी, और क्या बोलते हैं बेटी की शादी, डबल डबल बधाई जी के परिवार को। हमारा यहाँ पे खाना आ चुका है, और खाना आया था ऊपर, ये देखो हमारे आरती जी खाना के नीचे ले गए हैं, क्योंकि जमीन से जुड़े हैं और हमेशा जमीन से जुड़ा रहना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी हम गांव की महिलाएं हैं ना, सब अपनी बहनें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दीदी भी हमारी पहचान के निकली, हमारे कुत्ते कासी भैंसारी के हैं,
तो रीति रिवाजों तय जो पौराणिक रीति रिवाज है ये पहले भी हम चलते हैं तो पर फिर अगर हम वापस हों जन अर्थवर्ण ना हमारा तो ये है कि तो ये रीति रिवाज है और पचासवां नमाज हमारा जिसे कुबोंग कहते हैं कुबोंगा जो हमारे क्षेत्र में ये उत्तराखंड में शादी ब्याह का दौरान एक मानव भूगान की परंपरा है तो यह लगभग लगभग विलुप्त होने की और हमारे बीच में उपस्थित है और ये क्षेत्र का भविष्य रंगकर्मी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो फलक पर बहुत प्रत्येक होता है माननीय श्री रतन सिंह राणा जी डॉक्टर जैस्मिन जैस्मिन पब्लिक स्कूल का भी चुनाव और श्रीमती आप आ जाओ एक नवोदित कलाकार उभरती कलाकार हमारे बीच में आएंगे और बालिका जी अभी डॉक्टर जैक्सन नेशनल पब्लिक स्कूल की पूर्ण छात्रा थे और जो हमारी नंद की जो कथा थी ये सब जो हमारे बालक की है जो सुने थे क्योंकि फोन हमारे हाथ में था और सब लोग देख रहे थे तो सब लोग अभी यहाँ पे नींद के लिए तैयार है ना सोने के लिए तैयार है। मुझे तो ऐसा लग रहा थोड़ा कहीं चाय मिल जाती थोड़ा सी ना, पर लोग सब डांस कर रहे हैं। हम तो आ गए हैं दूर वाले घर में और अब सब कहें सोने की तैयारी करते हैं और सोते हैं। बासी रोटी होगी तो उसको रोटी को खाते हैं तब तक है यहाँ पे एक वीडियो ये चुनाव में लगे हुए हैं इनका शरीर पर चुनाव में। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसे लगी आपको? आई होप बढ़िया लगी होगी। बढ़िया लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली जय माँ कलशिला गुड नाइट बोलो रे सभी लोग। शुभ रात्रि और मिलते हैं कल बहुत जल्द। तो दोस्तों यहाँ पे ना मैंने आंवले ला रखे हैं, तो ये मैंने एक खासी ला रखी है विनीता को दिया था मैंने, लेकिन बोल रही है दीदी मेरे जवाई के लिए भी दो बल अपने लिए भी बल मैं भी बल मेरा पड़ोसी भी मैं भी मेहमान भी मैं भी बल मेरे जवाई भी बल। तो लो दा विनीता के हस्बैंड जी को हमारी तरफ से गिफ्ट है ये आंवले। आप खाना भाई साहब इसको लो जी मैडम जी खूब खिलाना भैया को। या
ये देखिए भाई मेरे हस्बैंड के लिए आरती जी ये लेके आए हैं, 10 रुपए तो जरूर खिलाना भाई साहब को हमारे तरफ से। ठीक है, आपको थैंक यू भी व्हाट्सएप पे भेजेंगे। ठीक है जी जी, बड़ा वाला थैंक यू, वेलकम। दूसरी बार भाई के लिए जब जाऊंगी ना जंगल तो ढेर सारे लेके आऊंगी, फिर आप अचार बना लेना। ठीक है ठीक है, तब फोन आवला है बाना ओला काली मठ। सही बात, तू ये ओली कर, तू भी ओली।